उत्तर प्रदेश योगी सरकार मिशन शक्ति के जरिए आधी आबादी को सशक्त करने की कोशिश में जुटी है। 16 अक्टूबर 2020 से शुरू हुआ यह अभियान लगातार 6 महीने चलेगा। इसके तहत महिलाओं को प्रति होने वाली हिंसा के विरुद्ध सुरक्षा तंत्र विकसित कर महिलाओं को उनके अधिकार बताने के लिए सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगाई है। महिलाओं को मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक परामर्श भी दिए जा रहे हैं। बता दें कि मिशन शक्ति अभियान के तहत सरकार ने प्रदेश के 1535 पुलिस थानों में एक अलग कमरे का प्रावधान किया है, जिसमें पीड़ित महिलाएं महिला पुलिसकर्मी के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकती हैं। सरकार की इस पहल की अपराधियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो सकेगी और उन्हें सजा दी जा सकेगी। मिशन शक्ति सरकार का महिलाओं के शारीरिक, आत्मिक और आर्थिक विकास को लेकर किया गया कार्यक्रम है, जो शारदीय नवरात्र से लेकर चैत्र नवरात्र तक चलेगा। कुल 180 दिवस का यह कार्यक्रम है, जिसमें सरकार के 23 विभाग काम कर रहे हैं। और इस मिशन शक्ति का उद्देश्य सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन है। सुरक्षा पुलिस विभाग का उत्तरदायित्व है और सुरक्षा को लेकर हम पूरे संवेदनशील हैं और पूरे मनोयोग, पूरे अपने विभाग के सर्वांगीण विकास और सर्वांगीण प्रयास के साथ हम लोग लगे हैं इसमें कि महिलाओं को अपने विकास करने का एक अच्छा माहौल मिले, वातावरण मिले। इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे इसके अंतर्गत पिंक बूथ बनाए गए हैं, जो विभिन्न ऐसे स्थानों पर निर्मित किए गए हैं जहाँ से महिलाओं का आवागमन होता है। बहुत संख्या में अध्ययन, अध्यापन या किसी समारोह में जाना या किसी व्यवसाय में कार्यरत महिलाएं उधर से गुजरती हूँ या यूं ही शॉपिंग आदि के लिए निकलती हूँ, तो ऐसे स्थानों पर चिन्ह बनाए गए हैं जहाँ से वो गुजरती हैं। यदि कोई छेड़खानी की घटना होती है या किसी प्रकार से उनका कोई पीछा करता है या उनको घूरता है या किस तरह की जो छोटी छोटी श्रेणियाँ हैं जिनको सामान्य रूप से अपराध नहीं माना जाता था, यदि ऐसी घटनाएँ होती हैं तो महिला सोचती है कि क्या करें, तो उन्हें अब सोचने की आवश्यकता नहीं है। पिंक बूथ उनके संरक्षण, सुरक्षा और उनको एक शेल्टर देने के लिए बने हैं, तो वो वहाँ जा सकती हैं। उन बूथों पर महिला कर्मचारी ही तैनात हैं, वो उनकी बात को सुनती हैं और तदनुसार जो कार्रवाई आवश्यक होती है उस पर करती हैं। यदि वो बूथ तक नहीं भी पहुँच सकती हैं तो वो थाने का नंबर 112-1090 के माध्यम से भी संपर्क कर सकती हैं, जिनमें उनको इस प्रकार की सहायता मिल सकती है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि पिंक पेट्रोल नाम से हमारे स्कूटी टू व्हीलर्स चल रहे हैं, जिन्हें भी महिला कर्मचारी ही चला रही हैं और महिलाओं की समस्याओं पर ही उनको एक्शन लेना है। यदि कहीं कोई समस्या ऐसी पता चलती है तो उस पर तत्काल त्वरित गति से ये कार्यवाही करते हैं। इसी प्रकार फोर व्हीलर्स भी हैं, TUVs भी हैं, जो मिशन शक्ति के तहत चल रहे हैं, वो विशेषकर महिलाओं की समस्या पर ही कार्य करते हैं। इसी प्रकार थानों पर हेल्प डेस्क खोले गए हैं, इन हेल्प डेस्क पे भी महिला कर्मचारी हैं जो पूरी संवेदनशीलता के साथ महिलाओं की बात सुनती हैं और उसमें जिस कार्रवाई की आवश्यकता है उस अधिकारी को ट्रांसफ़र करती है, उस आधार पर उसकी कार्रवाई संपन्न की जाती है। इन सब व्यवस्थाओं के द्वारा महिलाओं को एक अच्छा माहौल देने के प्रयास किया गया है। साथ ही साथ हम लोगों ने जागरूकता और सेंसिटाइजेशन के प्रोग्राम भी चलाए हुए हैं, क्योंकि जिनसे कार्य लेना है और जिनके लिए कार्य करना है, जब वो ही अवेयर नहीं होंगे तो किसी प्रकार की व्यवस्था का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इसी कारण हम लोग आप लोगों के सहयोग से, समाज के और स्टेक होल्डर्स के सहयोग से ये प्रयास कर रहे हैं कि मिशन शक्ति का जो सरकार की मंशा है वो उद्देश्य वहाँ तक पहुँचे, जो उनके लिए उपाय किए जा रहे हैं उसका वे लाभ उठा सकें। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।